नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टफी रोटू वायलर में। बड़ी काम की वीडियो है, कमेंट आया है मेरे पास में कुछ भाइयों के कि अगर भैया मेरी फीमेल को मैंने दो दिन पहले या एक दिन पहले या आज, मतलब मान लो आपने फीमेल को मेटिंग करवा ली है, लेबराडोर है, लेबराडोर से ही करवाओगे, लेकिन हो क्या गया दो दिन या तीन दिन या चार दिन या पाँच दिन के अंदर या छः दिन पे फीमेल किसी देसी डॉग के साथ में या किसी दूसरे डॉग के साथ में जो घर में है उसके साथ में और क्रॉस हो गई, तो अब इसके जो बच्चे होंगे तो क्या, तो पहली बात तो इसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, तो 100% बच्चे तो देगी वो, लेकिन वो अब बच्चे, हमारा दिमाग ये रहेगा कि यार बच्चे वो जो जिस पहले जिससे हमने करवाई थी मीटिंग उससे बच्चे देगी, या दूसरी बार जिससे मीटिंग करवाई हो गई ऑटोमेटिक किसी स्ट्रीट डॉग वगैरह से, ज़्यादातर उसी से हो जाती है, तो उसके बच्चे होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसके ऊपर, जिससे आपने करवाई है और जिससे ये नेचुरली हो गई, इन दोनों के ही मिक्स में बच्चे उस फीमेल को होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया क्योंकि फर्स्ट मेल से जब आपने मेटिंग करवाई उसका स्पर्म अंदर गया, फीमेल में अंदर जो एग्स होते हैं, एग्स बन रहे होते हैं, ब्लड जब रुक जाता है फीमेल के आना, उसके बाद में 5 से 6 दिन उसका टाइम होता है मेटिंग का, उन 6 दिनों में वो जिस भी डॉग के साथ में मेट होती है उसके स्पर्म फीमेल के अंदर जो एग्स होते हैं उनके अंदर मेल्ट होते हैं और उनके अंदर रह जाते हैं और फिर वो बड़े होते हैं और पपीज के रूप ले लेते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपकी फीमेल को आपने मेटिंग करवाई और वो अगर 5 से 6 दिन के अंदर किसी दूसरे डॉग से, स्ट्रीट डॉग वगैरह से या किसी दूसरी नस्ल के डॉग से मेट हो गई, तो वो मिक्स में बच्चे देगी, दोनों के बच्चे होंगे, ठीक है। लेकिन ये तो 100% है, जो दूसरे वाले से मेटिंग हुई है उसके बच्चे तो देगी देगी वो। फर्स्ट वाले से अगर हो सकता है उससे इजेक्यूलेशन अंदर नहीं हुआ हो फीमेल के, तो हो सकता है जिससे आपने करवाई हो उसके बच्चे नहीं हो, लेकिन जो देसी आ गया उसके बच्चे हो जाए, ठीक है। वो हंसी आ गई थोड़ी सी, क्यों मेरे को वर्ड दूसरा वो निकलने वाला था मुंह से, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका इलाज क्या है, आप देसी तरीके से आपको बता दूं, इसके दो इलाज है। एक तो है इसका जो है डिवॉर्मिंग, दूसरा क्या है, दूसरा आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाओ, किसी भी मतलब डॉक्टर के पास में जाओ, अच्छे के पास में जिसको नॉलेज है, उसके पास में जाके उसको बोल दो कि भाई मेरे फीमेल की गलत मेटिंग हो गई है। आप याद रखना उस फीमेल से बच्चे मत ले लेना, क्योंकि अगर एक बार उसने मिक्स ब्रीड के बच्चे दे दिए ना, तो फिर वो लाइफ टाइम तक उसके अंदर आ जाता है वो सिस्टम। मैंने देखा कई फीमेल के साथ में। कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता यार, आपकी बार हो गई तो होगी, अगली बार तो वापस जिससे कराएंगे उसी से होगी, भाई नहीं होता, असर आता है, मैंने देखे हैं, सफेद पैरों के डोबरमैन देखे हैं मैंने, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इलाज क्या है, डॉक्टर के पास जाके आप या तो उसको दवाई ला के दे सकते हो, जो सबसे सेफ माना जाता है साइंस के तरीके से बताऊं तो, क्योंकि आयुर्वेद को साइंस कमी हांकता है। अब आते हैं आयुर्वेद पे, मतलब फर्स्ट तो हो गया डॉक्टर का। डॉक्टर अगर आपके पास में है तो सबसे पहले तो आप यही करना, देखो कुछ खर्चा नहीं आता, 20-50 रुपए गोली आने वाली है, ठीक है, गोली ला के दे दोगे, फीमेल का पेट साफ हो जाएगा, अगली हिट पे वापस आप करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है देसी तरीका, अगर आपके आसपास में कोई डॉक्टर नहीं है या आप करना चाहते हो नेचुरल तरीके से। फीमेल में गर्मी जरूर हो जाती है, ये पहले बता दूं आपको, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन दो दिन बाद में दही दे देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग होते हैं लॉन्ग, अगर छोटी ब्रीड है ना, पग वगैरह की साइज के अंदर, सिडजू वगैरह की साइज की है, तो आप क्या करोगे, 6 लौंग को पीस के, समझ लो 6 लौंग को पीस के थोड़े से पानी के साथ में, या तो उसके अंदर गले में डाल सकते हो, जैसे उसका मुंह खोला ऊपर ऐसे और सीधा गले के अंदर डाल दो, वो पूरा अंदर चला जाए 6 लौंग उसके, या फिर आप किसी एग वगैरह के अंदर लपेट के सीधा उसके गले में फेंक सकते हो, ठीक है, या उसकी गोली बना के, मतलब 6 लौंग को पीस के उसकी गोली बना के, ठीक है, वो डायरेक्ट आप उसके गले में डाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मीडियम साइज में, रोटवाइलर की साइज में जितने भी फीमेल है वो है आपके पास में, तो 10 से 11 लौंग, समझ गए, देना कब कब है, एक देना है सुबह, एक देना रात के टाइम पे, 2 बार देना है 2 दिन तक, ठीक है, 101% उसका पेट साफ हो जाएगा, उसके पेट में जो भी स्पर्म वगैरह मेल का था वो सब खत्म हो जाएगा, और वो दूसरे दिन या तो वापस हीट पे आ जाएगी, दूसरे दिन वापस उसको ब्लीडिंग चालू हो सकती है, या फिर पेट में जितना भी है कीड़े वगैरह उसके गए हुए, मतलब कीड़े मतलब स्पर्म गए हैं जो भी, वो सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो वो कंसीव नहीं करेगी। 101% देसी इलाज है ये। हम मनुष्यों के साथ में भी होता है, मनुष्यों में भी कई केस मैंने ऐसे देखे हैं कि मैंने देखे इसका ये मतलब मत देख रहा ना कि मैंने कोई किसी को दिया है, मैंने देखा है लोगों को, मनुष्यों में भी होता है ये, ठीक है। और गाँव में एनिमल्स वगैरह को कर देते हैं कई बार, गाय भिंड नहीं करवाना होता है तो दे देते हैं, ठीक है। तो बेस्ट इलाज है ये लोगों का, क्योंकि गर्मी की चीज जाएगी, स्पर्म खत्म हो जाता है, स्पर्म गर्मी में रह नहीं सकता, ठीक है। पहले दिन में इलाज हो जाता है, लेकिन आप सेफ्टी के लिए दूसरे दिन और दे देना, और दूसरे दिन फिर आप शाम को फिर दही वगैरह भी दे सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसके थोड़ी अंदर की आग मर जाए, दो दिन तक आप दही चालू रख देना उसको थोड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आपके भाई का आपका अपना चैनल है टफी रॉटवाइलर, लोगों को जागरूक होने का यूट्यूब पे पहली बार मौका मिल रहा है। आपको पता है आपका भाई वो चीजें यूट्यूब पे ला रहा है जो आज तक यूट्यूब पे किसी भाई ने नहीं बताई है। 100 वीडियो लगभग मैं बना चुका हूँ, जिनमें से कम मेरे को लगता है कि 95 वीडियो ऐसी है जो आपको यूट्यूब और गूगल पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो शेयर कर दिया करो लोगों के साथ में, फैमिली के साथ में, फेसबुक वगैरह पे, ताकि लोगों को जागरूक होने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।